नमस्कार, इस वीडियो के साथ मैं हूं पूजा सिंह। धनंजय सिंह की सजा के साथ ही पूर्वांचल की हॉट सीट जौनपुर अब लाइमलाइट में एक बार फिर से आ गई। बाहुबली धनंजय की सजा की पहले बात कर लेते हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह का आपराधिक इतिहास 3 दशक से ज्यादा समय का है। पुलिस जोजियर के मुताबिक धनंजय सिंह के खिलाफ साल 1991 से 2023 के बीच जौनपुर, लखनऊ और दिल्ली में 43 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें से 22 मामलों में अदालत ने धनंजय को दोष मुक्त किया है, 3 मुकदमे वापस लिए गए हैं। हत्या के एक मामले में धनंजय की नामजदगी गलत पाई गई। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंगल के अपहरण, रंगदारी मांगने, धमकाने और आपराधिक साजिश के मामले में MP MLA कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उसके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को 7-7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 1.5-1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यानी अभी तय हो गया है कि धनंजय लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब बात राजनीति की कर लेते हैं कि धनंजय के जेल जाने का सियासी मतलब क्या है। 2 मार्च की शाम को सत्ताधारी BJP ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। JDU के NDA में आने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह जौनपुर सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि BJP ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह को जौनपुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद धनंजय ने भी जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा जता दिया। उन्होंने उसी दिन एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक लोकसभा 73 जौनपुर। यानी ये भी साफ था कि वो किसी भी कीमत पर जौनपुर से चुनाव लड़ेंगे ही। लखनऊ में 4 मार्च को धनंजय सिंह की एक शादी समारोह में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई थी। फिर सियासी गलियारों में चर्चा ऐसी चली कि धनंजय सिंह इस बार विपक्षी पार्टियों के समूह इंडी गठबंधन के बैनर तले जौनपुर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मगर मंगलवार को अचानक 46 महीने पहले दर्ज की गई FIR के आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया और जौनपुर की राजनीति में भूचाल आ गया। धनंजय सिंह चुनाव लड़ते तो जाहिर सी बात है कि क्षत्रिय वोट बैंक में सेंध भी लगती। वो चुनाव जीतते या नहीं जीतते, लेकिन BJP को नुकसान होता। 2009 में बाहुबली धनंजय सिंह को BSP ने मैदान में उतारा और उन्होंने सपा के पारसनाथ यादव को हराकर सीट बसपा की झोली में डाल दी। वहीं BJP को लंबा इंतजार करना पड़ा। 1999 के 15 साल लंबे इंतजार के बाद 2014 में मोदी लहर में सीट BJP के KP सिंह के पास चली गई। अब जब BJP इस बार 400 पार की हुंकार भर रही है तो वो एक भी सीट का नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं है, वो भी अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में और उसमें भी बनारस मंडल में। जाति समीकरण की बात करें तो जौनपुर लोकसभा सीट पर करीब 2.25 लाख क्षत्रिय मतदाता है। यही वजह है कि सीट 7 बार क्षत्रिय नेताओं के हाथ रही है। 1962 में हुए लोकसभा चुनाव में जनसंघ के ब्रह्मजीत सिंह ने कांग्रेस के बीरबल सिंह को हराया था। 1963 में ब्रह्मजीत सिंह की मौत के बाद उपचुनाव हुए जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी राजदेव सिंह ने जनसंघ मुखिया पंडित दीन दयाल को शिकस्त दी। 1963, 1967 और 1971 तक जीत हासिल की। आखिरी बार 1994 में कांग्रेस ने जौनपुर से जीत हासिल की थी। 1989 में पहली बार BJP का खाता खुला था। यादेंद्र दत्त ने कांग्रेस के कमला प्रसाद सिंह को हराकर ये खाता खोला था। वहीं 2004 में BJP की तरफ से चिन्मयानंद ने चुनाव जीता था। 2009 में बाहुबली धनंजय सिंह को BSP ने मैदान में उतारा और उन्होंने सपा के पारसनाथ यादव को हराकर जीत हासिल की। BJP सीट पर 4 बार चुनाव जीती है, 1991, 1998, 2004 और फिर 15 साल के इंतजार के बाद 2014 में मोदी लहर में सीट दोबारा BJP के पास आई। कृपा शंकर सिंह यहां से चुनाव जीते। फिलहाल इस सीट से BSP नेता श्याम सिंह यादव सांसद हैं। अब अगर यहां से धनंजय सिंह चुनाव में उतरते तो कोई दो राय नहीं थी कि BJP को खतरा होता। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी ने भले ही उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन राजनीति में छूट कोई नहीं होता। इस बार चुनाव जीतकर किसी भी खेमे में BSP जा सकती है। रही धनंजय सिंह की बात तो ऐसा नहीं है कि बाहुबली सारे हथियार गिरा देगा या हार मान लेगा। अभी भी कानूनी विकल्प धनंजय के पास है। वहीं अभी राजनीतिक स्तर पर भी बहुत से विकल्प भी हैं और सवाल भी हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह को अपना समर्थन देंगे या फिर जौनपुर से अपने किसी उम्मीदवार को BJP के खिलाफ खड़ा करेंगे। धनंजय सिंह के पास अपने विकल्प के रूप में इस समय जो सबसे ज्यादा संभावित नाम है वो है उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी, जो राजनीतिक रूप से काफी एक्टिव भी है। देखते हैं कि जौनपुर की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।